ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज स्मृति तृतीय अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का समापन एवं पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम शनिवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा सांसद रवि किशन, खेल निदेशक आरपी सिंह, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर सहित अन्य जनप्रतिनिधि और खेल प्रेमी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित करके किया गया। तत्पश्चात प्रदेश के खेल निदेशक आरपी सिंह ने योगी आदित्यनाथ को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच खेला गया, जिसमें हरियाणा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश की टीम को 43-31 से पराजित कर दिया और ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजेता टीम को 2,00,000 का चेक और सील तथा उपविजेता टीम को 1,00,000 और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली दो टीमों को 50,000 रुपए का चेक देकर पुरस्कृत किया। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए खेलो इंडिया का आयोजन कर खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि महंत पूज्य अवैधनाथ जी महाराज की खेलों के प्रति उनकी बहुत रुचि थी। बचपन में वे अखाड़े में नियमित रूप से जाते थे। कबड्डी और कुश्ती के वह अच्छे खिलाड़ी थे और उनके गुरुदेव महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज हॉकी और टेनिस के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे और खेल और खिलाड़ियों का पूरा सम्मान करते थे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजेता टीम के खिलाड़ियों के साथ सभी टीमों के खिलाड़ियों के प्रति अपनी हृदय से आभार वंदन किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर, हरियाणा टीम के कोच राजकुमार एवं कप्तान विजेंद्र सिंह और प्रदेश के खेल निदेशक आरपी सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आप सबके सामने मंच पर आसीन हो चुके हैं। अरे आप भी इधर आ जाइए। इस स्टेडियम में उनका अभिनंदन किया जा रहा है। Thank you.
प्रो कबड्डी चले गए तो जो बच्चे हैं यूपी से राहुल तो बात और इस बार पीछे जाओ पीछे जाओ बहुत पीछे जाओ यार थोड़ा हटके लीजिए ना योगी जी की अनुमति हो मैं भी मैच मैच यहां से ले सकता है अगर उन्होंने रेडर को टैकल कर लिया तो। और ये है सुपर टैकल होने के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन टैकल कि एक पॉइंट देकर भी कोई ज्यादा नुकसान होगा नहीं। ओ ये जंप करने की कोशिश की थी क्या ये सुपर एट जी नहीं दो पॉइंट बधाई हरियाणा टीम के बहुत बढ़िया लेकिन उत्तर प्रदेश टीम भी कहीं कम नहीं थी बहुत मजा आई हम बिछवा में उछले लगे महाराज जी भी ताली बजाए लगना तो ये एक्साइटमेंट ये खेल ये बहुत जरूरी रहा भाई हमनी के खेल मंत्री आज रहना उनके काम से कुछ कुछ हम भी जाएंगे रहे लेकिन वो भी आते लेकिन ये खेल से पता चलता है एक तो स्वास्थ्य आपका अद्भुत होता है इनाम भी पूज्य महाराज जी बहुत दे रहे हैं आजकल करोड़ों में इनाम दे रहे हैं ओलंपियंस जितने भी हैं पैरालंपिक्स भी रहे हैं तो आप भारत सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश इनाम भी दे रही है तो खेल भी आपके जीवन को सरकारी नौकरी तो देता ही है रेलवे में भी देता है लेकिन देश में आपको सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाता है
तो इसी तर्ज पर आप लोग आगे बढ़िएगा और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मंचासीन सभी लोगों को, खेल से जुड़े विभाग को, सबको मैं प्रणाम करता हूं, सिंह साहब को भी प्रणाम करता हूं। ब्रह्मलिंग परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज का ये जो ये गेम्स का एक स्पोर्ट्स का एक इंकरेजमेंट है, ये पूज्य महाराज जी हमेशा चाहते हैं। पिछले हफ्ते हमसे कह रहे थे कि सांसद जी यहाँ कुश्ती करवाइए, यहाँ की परंपरा रही है कुश्ती की, गोरखपुर की कुश्ती, यहाँ से एक से एक पहलवान निकलते थे, वो रहा है, नाटक करवा रहे हैं, रंगमंच है, कलाकारों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। पूज्य महाराज जी चाहते थे, साथ में वो बोले कि सांसद जी आपको नई जिम्मेदारी देता हूँ कि आप खेल को और कुश्ती को, कबड्डी को, ये सारे स्पोर्ट्स को भी बढ़ाइए। और इसके लिए तो फिर महाराज जी ने आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात भी की और इसको बढ़ाया भी जाएगा। और बहुत सारे गोरखपुर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, गोरखपुर के बच्चे फौज में जाते हैं, गोरखपुर हमेशा एकेडमिकली आगे रहता है, गोरखपुर ज्ञान का केंद्र है, गोरखपुर मेडिकल व्यवस्था में आगे आ चुका है, गोरखपुर की युवाओं पर अब पूरे उत्तर प्रदेश और देश की नजर है, क्योंकि आप लोगों को एक अलग ब्रीड माना जाता है, क्योंकि आप लोगों के पास परिपक्व एक संपूर्ण गोरखपुर में साधन महाराज जी बना चुके हैं। तो इस साधन की, इस व्यवस्था का आप लोग पूरा लाभ लें और अपने जीवन को साधें, अध्यात्म के साथ, स्पोर्ट्स के साथ, स्पिरिचुअलिज्म के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ। आप लोग एक बार प्रेम से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। यही व्यवस्था, यही ताकत, यही शक्ति आप लोग रखें, क्योंकि आने वाला भविष्य आप लोग हैं, आने वाला समय आप लोगों का है। तो इसी तरह आप लोग आगे बढ़ें, बहुत सारा साधुवाद, आने वाली टीम को भी बहुत सारी गुड विशेस, ऑल द बेस्ट। बहुत आनंद आ रहा है, महाराज जी बड़े प्रसन्न हैं, हम लोग जम के ताली बजा रहे हैं। आप लोग अपनी जान झोंक दीजिए, मतलब जान नहीं दे दीजिए, मतलब ताकत झोंक दीजिए। जय हो। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता आज के इस समापन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री विवेक ठाकुर जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, हमारे माननीय विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष श्री दिनेश सिंह पहलवान जी, अध्यक्ष जिला कबड्डी संघ शरणेश शाही जी, उपाध्यक्ष हॉकी संघ उत्तर प्रदेश श्री धीरज सिंह जी, पूर्व महापौर श्रीमती सत्या पांडे जी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महंत रविंद्र दास जी और प्रदेश के खेल निदेशक सीआरपी सिंह जी, देश के अलग अलग राज्यों से आई हुई यहाँ पर सभी प्रतिभागी टीमों से जुड़े हुए प्रतिभागीगण, उनके प्रशिक्षकगण, खेल प्रेमी गोरखपुर के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश खेल विभाग को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रतिभागी टीमों का अभिनंदन करता हूं। और जो बेहतरीन प्रदर्शन अभी यहां पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश की टीम ने फाइनल में किया है, इसके लिए दोनों खिलाड़ियों, दोनों टीमों के सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए विजेता टीम को बधाई देता हूं। वो विजेता टीम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करने का प्रयास किया है, उनका भी अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि खेल हम सबको एक स्वस्थ और सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने के लिए
प्रेरणा प्रदान करता है। और इन सब बातों को ध्यान में रखकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज से 7.5 वर्ष पहले पूरे देश के अंदर अपने युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए खेलो इंडिया खेलों के आयोजन को आगे बढ़ाया था। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कि मात्र 5-6 वर्ष के अंदर ही खेलो इंडिया खेलों के परिणाम सामने आए। पहली बार कोरोना महामारी के बावजूद ओलंपिक में और पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के सबसे बड़े दल ने प्रतिभाग किया, क्योंकि ओलंपिक में हर खिलाड़ी नहीं जा सकता। ओलंपिक में जाने के लिए पहले क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर वहां पर एक नई प्रतिस्पर्धा होती है और उस प्रतिस्पर्धा में जो व्यक्ति स्थान प्राप्त करता है दुनिया में, वह अपने आप में एक नायक बन जाता है, महानायक बनकर के उभरता है। और भारतीय खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल ओलंपिक में भी और पैरालंपिक में भी गया और दोनों में जाने के साथ ही सबसे अधिक मेडल भारतीय टीम ने, पहली बार ओलंपिक में जाने वाली टीम ने भी और पैरालंपिक की टीम ने भी सबसे अधिक मेडल ओलंपिक में जीत करके भारत के लिए लाने का कार्य भी किया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने स्तर पर सहयोग किया। 2017 में सरकार आने के बाद हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम चलाए, हर गांव में खेल का मैदान हो, ओपन जिम का निर्माण हो, स्टेडियम मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, युद्ध स्तर पर जहां ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर चल रहे हैं, वहीं सरकार ने अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जिन खिलाड़ियों ने ओलंपिक में मेडल जीते हैं उन खिलाड़ियों के लिए हम लोगों ने 23 जुलाई से उन खिलाड़ियों के लिए 19 अगस्त को प्रदेश की राजधानी में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के 10 प्रतिभागी खिलाड़ी सहित 72 खिलाड़ियों को 42 करोड़ रुपए की नगद राशि देकर के प्रदेश सरकार ने उन्हें सम्मानित करने का कार्य किया, जिसमें टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन से जिन खिलाड़ियों ने वहां पर भागीदारी की है उन सभी खिलाड़ियों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सम्मान देने का कार्य किया है। हम सब जानते हैं कि प्रदेश सरकार उन सभी खिलाड़ियों को जो लोग ओलंपिक में जाते हैं उसमें हम लोगों ने अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए कुछ व्यवस्था की है। ओलंपिक में एकल गेम में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को हम 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए, कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की नकद राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदेश सरकार से भी उन्हें उपलब्ध कराते हैं जो प्रदेश के खिलाड़ी होते हैं। टीम गेम पर स्वर्ण पदक पर 3 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि हम लोग प्रदान करते हैं। कॉमनवेल्थ और एशियन गेम में स्वर्ण पदक पर 50 लाख रुपए, रजत पदक पर 30 लाख रुपए, कांस्य पदक पर 15 लाख रुपए और कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 30 लाख, रजत पदक पर 15 लाख और कांस्य पदक पर 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदेश सरकार के द्वारा अपनी ओर से अपने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उपलब्ध कराई जाती है। एफ्रो एशियन में और विश्व कप एकल में स्वर्ण पदक पर 15 लाख, रजत पदक पर 10 लाख और कांस्य पदक पर 8 लाख रुपए, एफ्रो एशियन टीम गेम पर 10 लाख रुपए स्वर्ण पदक, रजत पदक पर 8 लाख और कांस्य पदक पर 6 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप देने का काम हम लोग करते हैं। प्रदेश के उन खिलाड़ियों को जो प्रतिभाग करते हैं ओलंपिक में, प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिभाग करने पर 10-10 लाख रुपए तथा कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में 5-5 लाख रुपए की सहायता
प्रदेश सरकार उन खिलाड़ियों को अपनी ओर से करती है। प्रथम बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिन खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में और टोक्यो पैरालंपिक में प्रदेश के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है, वहां पे प्रोत्साहन स्वरूप 25-25 लाख रुपए की राशि नगद पुरस्कार स्वरूप उन्हें दे करके उन्हें सम्मानित करने का काम किया है। और अभी हाल ही में हम लोगों ने ओलंपिक और पैरालंपिक के खिलाड़ियों को लखनऊ में और मेरठ में उन्हें सम्मान देने का काम भी किया है। भाइयों बहनों, मुझे आज के इस अवसर पर आप सबको यही कहना है कि वास्तव में जीवन में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए खेल का अपना महत्व है। और एक खिलाड़ी एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जब खेलता है, प्रदेश स्तर पर खेलता है, तो अपने प्रदेश के लिए, अपने जनपद के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर खेलता है तो अपने प्रदेश के लिए, अपने जनपद के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलता है तो अपने देश और अपने प्रदेश के लिए खेलता है। और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है। मैं देख रहा था यहां पर जो 12 टीमों के 168 खिलाड़ियों ने यहां पर ऑफिशियल्स ने जो भाग लिया है, इसमें से मुझे बताया गया कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, जिनमें प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों में श्री संजीव कुमार, श्री ब्रजेंद्र कुमार, श्री यशपाल सिंह, श्री पदमवीर सिंह, श्री राजेश कुमार सिंह, श्री धर्मवीर सिंह, श्री योगराज सिंह, श्री किरण पाल सिंह, श्री जितेंद्र कुमार सरगम, श्री राहुल चौधरी, श्री नितिन तोमर। यानी इन्होंने न केवल प्रदेश को बल्कि देश को इस खेल में गौरवान्वित किया है। और अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरस्कार कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली जो हरियाणा की टीम है, अभी उन्हें यहां पर नगद पुरस्कार से सम्मानित करने का कार्य होगा। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी और सेमीफाइनल में जो दोनों टीमें गई हैं उन्हें भी यहां पर पुरस्कार उपलब्ध करवाने का कार्य होगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से देश के सभी 543 संसदीय सीटों पर सांसद खेल कुंभ का आयोजन हुआ। आप अनुमान कर सकते हैं कितना उत्साह था। मुझे कई जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और हम लोगों ने जब लखनऊ में ओलंपिक के पदक वीरों का सम्मान किया था तो मैंने प्रदेश के हर जनपद के 75-75 खिलाड़ी वहां बुलाए थे, उनका भी सम्मान पहले किया था और फिर देश के उन पदक वीरों का जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है उन सब का भी सम्मान उसके बाद फिर अगले दिन यहां पर वहां लखनऊ में किया था। ऐसे ही पैरालंपिक में भी किया गया। हर जनपद के जितने भी दिव्यांग खिलाड़ी थे जिन्होंने जनपद स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, कॉमनवेल्थ या एशियाड में प्रतिभाग किया है या कोई पदक जीता है, उन सभी खिलाड़ियों को हम लोगों ने मेरठ में बुलाया, उनका सम्मान भी किया और फिर पैरालंपिक टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का भी सम्मान वहां देकर के प्रदेश को भी, देश के खिलाड़ियों को एक नई ऊर्जा से भरपूर किया। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हर एक संसदीय क्षेत्र में खेल कुंभ ने भी एक नई ऊर्जा का संचार किया है। और मुझे प्रसन्नता है पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज, खेलों के प्रति उनकी बहुत अच्छी रुचि थी। वे स्वयं बचपन में अखाड़े में नियमित रूप से जाते थे, कबड्डी और कुश्ती के लिए स्वयं भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और उनके गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज वे हॉकी और टेनिस के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। उन्होंने उस समय की यानी जब देश पराधीन था उस समय प्रदेश की हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था, इतने अच्छे खिलाड़ी थे। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से कुछ कार्य करने में सफल हो रही है और उसी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर मेरठ में
एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। मैं देख रहा था यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की टीम है, उत्तर प्रदेश की टीम में ज्यादातर खिलाड़ी हमारे बागपत से, मुजफ्फरनगर से, मेरठ से, शामली से, बुलंदशहर से, इन्हीं जनपदों से है। हरियाणा की भी टीम का मैं देख रहा था, वहां पर भिवानी से, रोहतक से, सोनीपत से, इन्हीं सब जगहों से ज्यादातर खिलाड़ी हैं। और मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने के बाद न केवल उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को बल्कि हरियाणा के खिलाड़ियों को भी एक नया मंच वहां पे प्राप्त होगा। खिलाड़ी जब खेलता है खेल के मैदान में, उसका भरपूर प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। सब अपने लिए नहीं खेलता, एक स्वस्थ समाज के लिए खेलता है, समाज के लिए खेलता है, देश के लिए खेलता है। और इन दोनों मैचों में मैंने देखा है हरियाणा की टीम और उत्तर प्रदेश की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के लिए मैं सभी खिलाड़ियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, प्रदेश सरकार की ओर से इन्हें हृदय से बधाई देता हूं। फाइनल मैच में यहां पर विजेता टीम को हृदय से बधाई और अभिनंदन, उप विजेता टीम को भी हृदय से बधाई और अपनी शुभकामनाएं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सभी टीमें निरंतर अपने खेल में और भी निखार ला करके आने वाले समय में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए समाज को तैयार करेंगे। आप सबके प्रति मेरी बधाई और शुभकामनाएं, और मैं खेल विभाग को इस आयोजन के लिए हृदय से साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। मिस्टर सूरज कैप्टन सबसे लास्ट में आएंगे, सूरज के बाद मिस्टर आयुष। ये ब्रॉन्ज मेडल, तालियां बजती रहनी चाहिए देवियों और सज्जनों इन हम सारे चैंपियंस के लिए। आयुष के बाद मिस्टर निखिल, मिस्टर अजय। अब मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये तृतीय स्थान की ट्रॉफी और 50,000 रुपए का चेक कैप्टन विनीत को और कोच साहब को देकर सम्मानित करें। और आप सबसे निवेदन है कि तालियां बजाकर इनको सम्मानित कीजिए। केएस डैन अकेडमी बागपत उत्तर प्रदेश की ही टीम है। आगे चल जा भैया, बागपत सेमीफाइनल में बागपत की टीम अंदर होना चाहिए। अभिनव भाई यार है पीछे, यहाँ आइए भाई। ये देश की सुरक्षा भी करते हैं और बेहतरीन कबड्डी भी खेलते हैं। बहुत बहुत अभिनव भैया यहाँ योगी जी का। ये कौन सा है? ये और उसके बाद आजाद सिंह, जर्सी नंबर कितना आजाद सिंह का? एक नंबर जर्सी और एक नंबर खेले भी है आजाद सिंह, प्रो कबड्डी भी खेल चुके हैं यूपी की टीम से। अर्पित सरोहा, अमित नागर, आकाश नैन, इनका जर्सी नंबर याद हो गया मुझे 7। उसके बाद बारी है विपुल की, प्रशांत राठी। देवियों और सज्जनों आपकी उत्तर प्रदेश की टीम ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत वैद्यनाथ त्रिपाठी माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं हरियाणा एकादश को। महाराज जितने भी खिलाड़ी आज की तालियां क्यों बंद होगी भाई, आइए शाबाश। ये जो स्टेडियम में मौजूद है, जो जो लोग सक्षम हैं, जो लोग खड़े हो सकते हैं, कृपया अपने उससे पहले ऑफिशियल है कबड्डी ऑफिशियल। मुख्यमंत्री जी का, माननीय सांसद जी का, और जितने भी हमारे मुख्य मेहमान यहाँ पधारे हैं उन सबका, सारे कबड्डी खिलाड़ियों का और गोरखपुर की जनता का इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे प्रो कबड्डी में मुलाकात होगी। आज परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की स्मृति में आज अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ रीजनल स्टेडियम में हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मध्य फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें हरियाणा की टीम विजेता रही। ये बहुत ही बड़ा आयोजन है और एक उत्तर प्रदेश का एक प्रतिष्ठित खेल विभाग का आयोजन होता है। मैं इस आयोजन पर सभी को बहुत बधाई देता हूँ कि इतना हौसला और मनोबल के साथ सारे खिलाड़ी खेले। उत्तर प्रदेश की टीम भी बहुत अच्छा खेली, परंतु गेम गेम होता है कि जो अच्छा खेलता है
वो जीतता है। हरियाणा की टीम उससे अच्छा खेली तो निश्चित रूप से वो विनर रही, और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का भी बहुत अच्छे मैच खेले। निश्चित रूप से हमारे इस कबड्डी के बड़े बड़े आयोजनों से हमारे इस गोरखपुर के खिलाड़ियों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी और अच्छे खिलाड़ी हमारे इस ज़िले से और जन मंडल से निकलेंगे। जय हिंद। यहाँ लिखा था रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर गोरखपुर। प्रतियोगिता का मैच बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत अच्छी फैसिलिटी थी, लेकिन एक चीज़ की कमी भी थी, यहाँ जो रहने के लिए होटल वगैरह दिए गए थे ना, उनमें नहाने के लिए एक तो गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी, वो जिसके कारण सर्दी का मौसम था, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। और बाकी सभी व्यवस्था, प्राइज आपको जीता हुआ क्या कहेंगे? फर्स्ट प्राइज हमें हासिल हुआ, इसके लिए हमें बहुत खुशी है। उन्होंने यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रखा था और उनके अच्छे मिला इनाम में सौभाग्य अच्छा। मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ठीक है काम। टीम के क्या है? मैं टीम का कोच हूँ, मेरा नाम राजकुमार है। बड़ा अच्छा लगा जीत के, और योगी जी से मिलकर तो बहुत अच्छा, और योगी जी से मिलने आए थे और टूर्नामेंट खेले हैं, दोनों काम एक साथ हो गए, बड़ा अच्छा, दिल खुश हो गया, भगवान की दया से दर्शन हो गए योगी जी से, बस हमारा तो जिंदगी पूरी हो गई। गोरखपुर शहर के लिए गोरखपुर बड़ा अच्छा शहर है जी, बहुत अच्छे आदमी यहाँ पे, बहुत रिगार्ड करते हैं प्लेयर का और बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे। टीम का क्या है? मैं कैप्टन हूँ टीम का। क्या नाम है? विजेंद्र सिंह। कहाँ से? मैं रोहतक से जी। देखिए ये तृतीय ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी के नाम से ये खेल विभाग द्वारा ये प्रतियोगिता कराई गई है, और हमारा विभाग जो है पहले से 6 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता कराता था, ये 7वां हो गया, अब ये हमारे कैलेंडर में आ गया है। तो बहुत खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना बहुमूल्य समय दिया, और जो भी हमारे 12 टीमों के खिलाड़ी आए थे प्रदेश के विभिन्न जनपदों से और देश के कोने कोने से आए थे, उनका अपना आशीर्वचन दिए, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में गोरखपुर में आप देखेंगे और अच्छी अच्छी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा। आपने देखा ही था कि बहुत अच्छी आज कबड्डी देखने को मिली है और सभी खिलाड़ी आकर के बहुत प्रसन्न रहे। खिलाड़ियों को क्या कहेंगे? देखिए खिलाड़ियों के लिए तो यही है, किसी भी खिलाड़ी के लिए खेल का एक मैदान मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और आपने देखा जो आज गोरखपुर के रीजनल स्टेडियम में जो माहौल मिला है, जो भी बाहर के खिलाड़ी आए थे बहुत प्रसन्न थे, और जो भी जो कबड्डी के मैट थे वो इंटरनेशनल लेवल के मैट दिए गए, और इनको सबको होटल में रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था थी, और विजेता टीम को 2 लाख रुपये, उपविजेता को 1 लाख, और जो तीसरे स्थान पर 2 टीमें थीं उनको 50,000 रुपए का भी पुरस्कार राज दिया गया है, तो बहुत खुशी की बात है। कहाँ की टीम आज फर्स्ट? देखिए हरियाणा जो है उत्तर प्रदेश को हरा करके विजेता हुई है, और इसमें एक जाट रेजिमेंट और हमारी बागपत एकेडमी है, ये 4 टीमें थी सेमीफाइनल, तो जो सेमीफाइनल लास्ट करती हैं वो अपना तीसरे स्थान पर रहती हैं। प्रथम स्थान हरियाणा ने प्राप्त किया, दूसरा उत्तर प्रदेश ने, और तीसरे चौथे में जो है जाट रेजिमेंट और बागपत की टीम रही।